वहीं दिल्ली में आज एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अगर सुरक्षा मिली तो सुल्तानपुरी इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। दो दिन के सन्नाटे के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलने को तैयार है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर 400 पुलिस कर्मियों की मांग की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम आज सुल्तानपुरी के अलग अलग वार्डों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। वार्ड नंबर 45 में पीर बाबा की मजार के आसपास कार्रवाई होगी। इसके अलावा 908 नंबर बस टर्मिनल के पास मछली बाजार में अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में एमसीडी ने 20 मई तक का प्लान तैयार किया है। कल और परसों अभियान दो दिन जारी रहेगा। 19 मई को सुल्तानपुरी के जगदम्बा मार्केट में बुलडोजर चलेगा, तो वहीं 20 मई को मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में कार्रवाई होगी। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है या नहीं। अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो एमसीडी को अपना अभियान टालना पड़ सकता है। ABP News, आपको रखे आगे।